हाय रे मेरी किस्मत, काश मैं इस वक्त मोदी मेंशन में होती तो वीडियो देखने के बाद कोकिला मोदी का चेहरा देख पाती। उसको तकलीफ में देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचती। उसकी बहू गोपी मोदी ने मेरा गला पकड़ा था ना, आज उसकी बेटी की इज्जत का गला घोट दिया मैंने, और वो भी सबके सामने। कमाल है, अभी तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था। गोरो, तुमने मेरे मीरा के साथ जो दुष्क्रिया की है उसके लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोकिला अपने पूरे परिवार के लंगर के साथ मेरे घर में आ जाए। अगर ऐसा हो तो मजा आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो देखने के बाद कोकिला में इतनी ताकत बची होगी। अरे नीरा बहू, तू अकेली आई? बाकी सब कहाँ है? वो धर्म जी और श्रवण गाड़ी पार्क कर रहे हैं और विद्या किसी से फोन पे बात कर रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कहीं तू अपने मायके वालों के साथ झगड़ा करके अकेली तो घर वापस नहीं आई हो। वो बाजी, मैं अकेली नहीं आई हूँ। मेरा अंदाजा सही निकला, कोकिला महारानी पूरी सेना के साथ आई है मुझसे झगड़ा करने। अकेली नहीं आई हो मतलब? मैं समझी नहीं। अरे पगली समधर, तुम यहां? हाँ बाजी, वो भी हमेशा के लिए। है? हमेशा के लिए? हाँ बाजी, वो मेरी दादी है ना, उन्होंने बेवजह मेरी नानी की इंसल्ट करके उन्हें घर से निकाल दिया। मुझसे इनकी ये हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई। और आपको पता है, मैंने उस मोदी फैमिली को सुना दिया कि मेरी नानी अकेली नहीं है, इसलिए आज से वो मेरे घर मेरे साथ आ रही है। क्यों मेरे घर मेरे साथ? मेरे घर में मेहमान बन के दो चार दिन रहे वो बात ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये मेरा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है। ये रास्ते चलते किसी को भी यहां उठा के ले आओ। आओ ना बोलो गोरा बेर, आप ही मेरा सहारा हो। अगर आप मुझे निकाल देंगी तो मैं कहां जाऊंगी? आप कहेंगी ना तो मैं घर के किसी कोने में रह लूंगी, घर का सारा काम करूंगी, आपकी सेवा भी करूंगी, आपका गला। नहीं, मेरा मतलब है आपके आपके हाथ पांव भी दबाऊंगी मैं, पर मुझे यहां से मत निकालिए। हाँ बाजी, इतने महल जैसे घर में हम नानी को एक छोटा सा कमरा तो दे ही सकते हैं ना। और आपको पता है, धर्म जी ने तो परमिशन भी दे दी नानी को यहाँ पे रहने की।
साथ उन्होंने तो मुझसे कहा था। अरे धर्म ने कहा तो क्या हुआ, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। पहले ही तू मेरे माथे पर। क्या क्या कहा आपने? मेरा मतलब है तेरी बहन और दुर्गेश्वरी देवी तेरे माथे पे बैठे हैं, बस उनका बोझ काफी है और बोझ की पोटली मैं मेरे माथे पे नहीं रख सकती। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आजी, ये मेरा भी तो घर है, क्या घर भी मेरा ना सा भी हक नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर पर मेरे सिवा किसी का भी हक नहीं। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं और सिर्फ मैं करूंगा, समझी? जी जी जी। मेरी नानी कहीं नहीं जाएगी। अरे तेरी नानी क्या, तेरी नानी की नानी भी जाएगी। अगर तेरी नानी अकेले अपने आप नहीं जा सकती तो मैं इसकी मदद कर देती हूँ। निकल, चल चल निकल। एक तो तू आधी पागल है, यहाँ रहेगी तो हम सबको पूरा पागल कर देगी। चल निकल। ना गौरा बहन, ऐसा मत कीजिए, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। अगर आप मुझे निकाल देगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बाजी, ये मेरे भरोसे यहाँ आई थी। अरे इसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, मुझे क्या है? चल हट यहाँ से। बाजी प्लीज, देखिए ना नानी का फिर इसे टूट गई है। अगर हमने उनको नहीं यहाँ पे रहने दिया पता नहीं क्या कर बैठेंगी वो। प्लीज मान जाइए, प्लीज। छोड़ मेरा पाँव वरना लात खानी पड़ेगी तुझे। थैंक यू सो मच बाजी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपकी नानी को यहाँ रहने की परमिशन ले ली। तुम्हारा खूब खूब आभार गौरा बहन। तो बहुत डर लग रहा था कि पाजी कैसे रिएक्ट करेंगे, पर देखिए ना धर्म जी, पाजी एकदम से मान गए। इनका नानी जा रही थी लेकिन बाजी ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें यही रोक लिया। देखिए, और उतना ही नहीं, उन्होंने तो नानी को ये भी कहा कि नानी जितने दिन चाहे वो यहाँ रह सकती है। धर्म जी, आप सही कहते थे, बाजी का दिल कितना विशाल है, वो किसी को दुखी देख ही नहीं सकती। सासरे में इम्प्रेशन जमाने के लिए मीरा को तो कह दिया था कि नानी को ले ले अपने साथ, लेकिन मन में तो डर था कि बा मेरी बैंड बजा देगी और मीरा के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। लेकिन जलाराम बापा, लाज रख ली तूने मेरी। चाहती तो मैं भी नहीं थी कि ऐसे अपनी नातिन के घर आप सब पर ऐसे बोझ बन के रहूं, पर इन्होंने इतने प्यार से इतने हक से मुझे रोका कि मैं मना ही नहीं कर पाई। देखा ना मेरी बा का दिल कितना बड़ा है, तुम्हारी दादी से बड़ी बड़ी बातें करती है और मेरी बा बड़े बड़े काम करती है। मुझे पता था मेरी बा मेरी बात कभी नहीं टालेगी। क्या बा बराबर ना? और बा अच्छा ही है ना, इसकी नानी अगर यहाँ रहती है तो हमको सिनेमा और नाटक बाहर जाके देखना ही नहीं पड़ेगा, घर में ही दिखेगा सब। हाँ बराबर बेटा बराबर। बाजी मैं आपको फिर से पूछ रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नानी के यहाँ रहने से? अगर है तो बता दीजिए, मैं नानी को कह दूंगी कि वो कहीं और अरेंजमेंट कर ले। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
नहीं रह सकती। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो एहसान किया है मुझ पर मैं कभी नहीं भूलूंगी। नानी अभी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इस घर को अपना ही घर समझिए। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।